इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारे सामने कुछ हर्डल्स आते हैं। अब या तो वो हर्डल हम पर हावी हो जाएंगे या हम उन हर्डल को पार करके आगे जाएंगे। दोस्तों, हर्डल आना या तो वो आप पे हावी होगा या आप हर्डल को पार करके आगे निकलोगे, ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड होता है। हम जानते हैं दोस्तों, हमने सुना है महाभारत में 13वें दिन जब कौरवों को लगा कि अब हमारा जितना मुश्किल हो जाएगा, उन्होंने एक चक्रव्यूह आयोजन किया जिससे वो घेरे में डाल सके पांडवों को। दोस्तों, ये चक्रव्यूह हमारे भी रियल लाइफ में आते हैं और अलग अलग, जैसे वहाँ पे 7 हर्डल थे वैसे यहाँ पे भी 7 हर्डल होते हैं। दोस्तों आइए, दोस्तों आज हम जानते हैं हमारी लाइफ के ये रियल 7 हर्डल्स, कौन से 7 लेयर्स आए, या तो हम उन्हें पार कर देंगे या तो वो हम पे हावी हो जाएंगे। दोस्तों आज की जो हमारी जो लाइफ है, टुडेज अवर लाइफ, हो सकता है ऐसी हो, ये चेहरा हो, वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज, फ्रेंड सर्कल वाइज, पूरी तरह से या तो हम ऐसे होंगे या दोस्तों ये भी हो सकता है कि आज हमारी लाइफ कुछ ऐसी हो। ये दोनों ही सूरतों में जो हर्डल हमारे सामने आए होंगे, हमने उन हर्डल का क्या किया होगा उस पर डिपेंड है हम इनमें से कौन से चेहरे पे आते हैं। अगर हमने उस समय जब हर्डल आए, हमने एक्सक्यूजेस बताने चालू कर दिए कि मैं तो सफल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, हम अपने स्ट्रेंथ नहीं जान के जब हम अपनी वीकनेस को फोकस करते हैं तब हमें कुछ ऐसे रिजल्ट मिलते हैं, जब अपनी स्ट्रेंथ को हम जानते हैं तब हमें कुछ ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। आज का जो हमारा पोर्टफोलियो है, हेल्थ का, वेल्थ का, सोसाइटी का, वो हमारे पास्ट में लिए गए निर्णयों का है, जो डिसीजंस हमने पास्ट में लिए। नाउ इट्स ऑल राइट, पास्ट में जो हुआ वो अच्छे डिसीजन थे या गलत डिसीजन थे। अगर अच्छे डिसीजन थे वी शुड बी हैप्पी, अगर गलत डिसीजन थे स्टिल वी कैन स्टे हैप्पी क्योंकि उन डिसीजन से हम सीखेंगे और ऐसी गलती आने वाले समय में ना हो उसकी हम ध्यान रखेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो आज जो हमारा है वो कल की वजह से बना है, अब हम आने वाला कल बनाने वाले हैं, तो हमें आज कुछ डिसीजन लेने होंगे। ऑल राइट, तो यहां पे मैंने यही चक्रव्यूह ड्रॉ किया है, जो चक्रव्यूह हमारे सामने आने वाला है, या तो ये हमें खा जाएगा या हम इसको परे करके आगे निकल जाएंगे। तो नंबर 1 थिंग इन योर हर्डल्स, नंबर 2 थिंग, नंबर 3, नंबर 4, हम 7 कोठों पे आगे चलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, राइट, ताकि ये जो अपडेट्स हम देते जा रहे हैं वो अपडेट्स आप लोगों को रेगुलरली मिलते जाए। राइट फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे इंटर कम्युनिकेशन वे से। राइट, मैं कुछ हो सकता है आपको प्रश्न पूछो, आपको जवाब पता हो, आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में चैट कर सकते हो। राइट, सबसे पहला दोस्तों जो हमारे सामने हर्डल आता है वो होता है डाइटरी फॉर्म का, डाइट्स। दोस्तों सम डाइट्स कैन बूस्ट यू, सम डाइट्स कैन पुल यू डाउन, ऐसा क्यों? दोस्तों हम जब से पैदा हुए हैं तब से अब तक हमने अलग अलग डाइट का तो इस्तेमाल किया है, राइट, और उसी डाइट ने आज हमें आज की हेल्थ और वेल्थ दोनों दिए, दोनों इसमें बोलेंगे, बिकॉज डाइट इज नॉट ओनली फॉर अवर बॉडी, डाइट इज ऑल्सो फॉर अवर माइंड। तो इफ वी आर गिविंग गुड डाइट्स टू अवर बॉडी, टू अवर माइंड, वो अपने पोटेंशियल से बढ़िया परफॉर्म करेंगे। इफ वी आर गिविंग बैड डाइट्स टू अवर बॉडी, टू अवर माइंड, वो वैसा परफॉर्म करेगा। तो हमें क्या देना है दोस्तों, गुड डाइट और बैड डाइट, ये हमें डिसाइड करना है। यहां पे बहुत से लोगों के पास एक्सक्यूजेस का भरमार होता है, मेरे को तो इसका हैबिट है, मैं तो ये बरसों से करता हूं, ये हैबिट मैं नहीं निकाल सकता हूं, वो हैबिट मैं नहीं निकाल सकता हूं। दिस ऑल थिंग्स आर अबाउट हैबिट्स। पिछले इतने सालों में अगर ये बैड डाइट की हैबिट नहीं निकली है, उससे हमारी हेल्थ पे कुछ असर होगी। अगर आने वाले सालों में इफ आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई हेल्थ, तो आज डिसीजन लेना होगा। राइट, आपने रोनाल्डो का पिछले
कुछ समय में आपने एक लेख जरूर पढ़ा होगा कि रोनाल्डो जी बैठे थे अपने टेबल पे इंटरव्यू के लिए और टेबल पे जाके कोका कोला का बॉटल रखा हुआ था। ही वॉज ब्रेव इनफ टू टेल कि इसको बाजू में हटाओ, यहाँ पे पानी रखो। ही इज अ रियल स्पोर्ट्समैन, वो जानता है कि ये कोल्ड ड्रिंक आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट कर सकता है, राइट? हमें रोनाल्डो बनना है, हमें विराट कोहली बनना है, हमें अमिताभ जैसा होना है, पर उनकी हैबिट्स को हमें लेना नहीं है। हमें सिर्फ वो सक्सेस दिखता है, पर वो सक्सेस के लिए जो उन्होंने अपनी डाइट हैबिट की हुई है वो हमको अच्छी नहीं लगती है। तो दोनों चीज़ कैसे पॉसिबल होगी? गुड डाइट्स कैन बूस्ट अवर फ्यूचर, बैड डाइट्स। दोस्तों मुझे बहुत ही प्राउड महसूस होता है ये कहते हुए, ड्यूरिंग लास्ट 3 decades दोस्तों मैंने कभी भी कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट नहीं किया है। कॉलेज में थे, बहुत से दोस्तों का ऐसा था, अरे थोड़ा तो पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं वो बड़े वाला, राइट? हर चीज का शौक होना चाहिए, जिंदगी में कोई चीज बाकी नहीं रखने की। तो वो लोग वो चीजें लेते हैं कि जिससे उनको एंजॉयमेंट होता है। मेरे पास भी ऐसी 10 चीजें लिख दूं क्या जो जिंदगी में करनी चाहिए पर आप करते नहीं हो? तो मैं क्यों ऐसी कोई भी चीज करूं जिससे मेरी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़े? हम अपनी मर्सिडीज में, अपनी गाड़ी में, अपनी BMW में केरोसिन डालते हैं क्या? नहीं डालते। आपको उस समय आप उसको बोलते हो पावर डालो भाई, सादा पेट्रोल नहीं, और बॉडी में तो केरोसिन भी चलेगा। हैव गुड हैबिट्स फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो डाइट है ये हमारे थिंकिंग पे भी काम करता है, राइट? हम आने वाले कल में जो बनने वाले हैं उसमें ये पहला हर्डल डाइट का जरूर दोस्तों में पार करना होगा। सेकंड, दूसरा हर्डल हमारे सामने क्या आता है दोस्तों? व्हाट आई हैव रिटन, थॉट्स। दोस्तों नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स। मेरे को एक सफर मेरा याद आता है, जस्ट ऑलमोस्ट 2 decade हो गए होंगे उसको। मैं आई वॉज ट्रैवलिंग टू मुंबई, वहां पे कुछ प्रेजेंटेशन मेरे को देना था। उस समय मैं खुद डाउन फील कर रहा था, तो मैं जब वो प्रेजेंटेशन देने जा रहा था उस समय पूरा, जैसे मैंने बॉम्बे के लिए सफर शुरू किया, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या प्रेजेंट करूंगा वहां पे। आई वॉज नेगेटिव दैट टाइम। तो नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड पे हावी होते जा रहे थे और मैं सोच रहा था कि मैं वहां जाके करूंगा क्या। पर आपके नेगेटिव थॉट्स की जगह अगर पॉजिटिव थॉट्स को फीड करते हैं, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। दोस्तों उसी टूर के दौरान 5 to 6 hours लगते हैं, आई रेड अ बुक। उस समय मेरे ख्याल से मेरे पास एक बुक वो समय पे मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम की एक किताब बहुत फेमस थी और वो किताब मेरे पास थी। मैं उसको किताब पढ़ते पढ़ते सफर पे आगे बढ़ता गया एंड माई थॉट्स वर चेंज इमीडिएटली। मैं जैसे बॉम्बे उतरा आई वॉज एक्सट्रीमली फीलिंग एंथुजियास्टिक और मुझे लग रहा था कि मैं कब लोगों से मिलूं और उनको वो प्रेजेंट करूं। तो मेरे थॉट्स कैसे चेंज हुए? मैंने माइंड में क्या फीड किया, मैंने क्या फूड दिया मेरे माइंड को? मैंने माइंड को पॉजिटिव फूड दिया तो मुझे पॉजिटिव थॉट्स मिले। अगर मैं नेगेटिव चीज़ें देखता रहूँ, मैं नेगेटिव सुनता रहूँ, तो मेरा माइंड क्या रहेगा? नेगेटिव। दोस्तों ड्यूरिंग लास्ट 2-3 decades मैंने कभी भी समाचार वमाचार देखे नहीं है, टीवी पे कोई न्यूज़ व्यूज़ हम देखते नहीं है कभी। क्यों नहीं? ज़रूरत क्या पड़ती है? क्या उसी से हमें अपडेट मिलते हैं? नेवर फ्रेंड, कभी ऐसा हमको महसूस नहीं हुआ, राइट? क्योंकि वो जो कंटेंट बनाए जाते हैं वो आपको इंटरेस्ट में रखने के लिए कंटेंट बनाए जाते हैं। और वो जानते हैं आपको फियर में इंटरेस्ट है। किसमें इंटरेस्ट है? आपको कोई भी चीज ऐसी सुनाई दे जिससे डर का वातावरण होता है, देन यू आर इंटरेस्टेड। तो वो आपको डरा देंगे, मेरे को क्या जरूरत है डरने की? कोई भी नेगेटिव चीज आई है, आई विल गो टू BSE India और आई विल गो टू कंपनीज रिपोर्ट, आई विल सर्च अबाउट इट कि ये क्या इंप्लीकेशन होगा इसका कंपनी पे। सो नेवर एवर जो नेगेटिव थॉट्स है उसको भी कभी अपने आप पे हावी ना होने दे। ऑलवेज गिव, ऑलवेज फीड योर ब्रेन पॉजिटिव थिंग्स। इससे हमेशा आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे और जो ये दूसरा चक्र है वो हम इसको आसानी से पार कर पाएंगे। दोस्तों हमारा जो माइंड है वो भी एक खेत की तरह है, अगर हम उसे कुछ देंगे नहीं प्रोडक्टिव तो वहां पे वीड्स उग जाएगी। अगर हम वहां पे फ्लावर्स प्लांट करेंगे, प्रोडक्टिव चीजें प्लांट करेंगे माइंड में, तो वो प्रोडक्टिव रहेगा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, दिन का दिन शुरू होता है, दिन एंड होता है, उसके बीच में मैंने मेरे माइंड को क्या फीड किया,
मैंने नेगेटिव फीड किया कि पॉजिटिव फीड किया? फीड पॉजिटिव। बहुत सी अच्छी अच्छी जगह है जिससे आप अपने माइंड को पॉजिटिव फीड कर सकते हो, राइट? तो पॉजिटिव थॉट्स देखने होंगे, हमें अपने आप से सेल्फ पॉजिटिव टॉक करना होगा। हम अपने आप से अगर हमेशा नेगेटिव टॉक्स कहेंगे, मैंने बहुत बार सुना है, पीयूष भाई मैं ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा टीचर ऐसा था, मैं इसलिए ये नहीं कर पाया क्योंकि उस समय ऐसा हो गया, वो कहानी है। अगर वो जीरो मार्क मिले हैं हमें कोई भी चीज़ में, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मेरे में ये स्किल नहीं है, क्योंकि जब तक ये क्योंकि का कारण आपके पास है, वो भविष्य में भी स्किल आपके पास नहीं आएगी। वो क्योंकि को हटा दो और आगे बढ़ो। वी नीड टू लर्न स्किल्स। दोस्तों मैंने देखा है बहुत से लोग हॉरिजॉन्टली स्किल्स बढ़ाते हैं। हॉरिजॉन्टली स्किल्स को बढ़ाने का ये मतलब है कि मैं बहुत सी अलग अलग स्किल्स पे ध्यान देता हूँ और कोई भी स्किल में माहिर नहीं होता हूँ। मेरे को इंट्राडे सीख लेना है, फ्यूचर सीख लेना है, ऑप्शन सीख लेना है, मेरे को ये सब चीज़ें इसलिए सीखनी है क्योंकि मैं उन सब की जगह पे अट्रैक्ट हुआ हूँ। इसके बदले जो स्किल मैं सीख रहा हूँ उसी को मैं वर्टिकली इन डेप्थ में जाके सीखूँ। वही स्किल को अगर मैं डेप्थ में सीखता हूँ तो मैं जो सीख रहा हूँ उसमें मैं और माहिर होऊंगा। आप मेरे को बताओ, सब बंदर का व्यापारी होंगे, सब कुछ आएगा पर कुछ काम का नहीं। वो काम का है कि हम कुछ स्किल्स हमारी डेवलप करें और उसी को लेके आगे बढ़े, वो बढ़िया है, राइट फ्रेंड्स? सो ऑलवेज डेवलप योर स्किल्स, ऑलवेज बी विथ पॉजिटिव थॉट्स। तीसरा, थर्ड, बोर डोम। दोस्तों जब हमारा विजन नहीं होता है, जब हमारे गोल नहीं होते हैं, दोस्तों पहला तो गोल क्यों नहीं होते हैं? गोल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम पास्ट में बहुत बार फेल हुए होते। तो पास्ट में मैं बहुत बार फेल हुआ हूं, इसका कोई कारण नहीं है कि मैं भविष्य के गोल ना रखूं। मेरे गोल क्यों नहीं है? क्योंकि मैं पास्ट में फेल हुआ हूं। पास्ट में फेल हुआ हूं इसका मतलब जरूरी नहीं है मैं भविष्य में फेल होऊंगा। मैंने कुछ चीजें फीड की मेरे ब्रेन को, उन चीजों की वजह से मेरा फेलियर या सक्सेस है। आने वाले समय में अगर मैं मेरे ब्रेन को पॉजिटिव फीड दूंगा, हो सकता है मैं मेरे गोल को सोचा है उससे भी जल्दी पार कर सकूं। सो इट डजंट मीन कि मेरे को गोल नहीं लेना है। जो गोल नहीं लेते हैं, जिनके कोई गोल नहीं होते, उनके दिन कैसे शुरू होता है? वो सुबह उठे नींद में से शांति से, फिर पहला हाथ सीधा जाएगा सीधा मोबाइल पे, क्योंकि यही है कि उनके लिए एंटरटेनमेंट का जरिया है, राइट? पहला दोस्तों ये जो दिस इज बोरडम, सक्सेसफुल पीपल डू नॉट हैव दिस। सक्सेसफुल पीपल हैव देयर शेड्यूल, उनको ये आ ही नहीं सकता है, उनको पता ही नहीं है ये कैसे होता है। हाउ वी कैन डू, चालू मीटिंग है, हो गया, बिकॉज अवर गोल आर नॉट क्लियर, विजन नहीं है। अगर विजन क्लियर हो दोस्तों, जब आप सुबह उठते हो, सबसे पहला यू हैव थैंक्ड योर गॉड, आपको ये दिन दिखाया और ये गिफ्टेड है। वो गाड़ी जो आपने इतने ने देखा है, आईफोन को हम कितना संभालते हैं, स्क्रैच नहीं आने देने का, उसको वो गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो अंदर का वो मेमोरी डिस्टर्ब हो सकता है। और अपने मेमोरी का क्या, अपन तो गिरे हुए ही है, उसको नहीं सुधारने का है। नो, हमारी बॉडी जो फ्री में मिली है उसका कोई हमें वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो ऊपर वाले ने दी है, उन्होंने दी तब ये तो कहा ना कि भी ये दी है 100 साल के लिए, इसको संभालना, पर हम संभालेंगे नहीं। दिन शुरू हुआ, हमने थैंक्स किया उनको, यस आपने जो लाइफ दी है, अब मैं आने वाले पूरे दिन में कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरे को अपने आप पे और आप पे गर्व हो। ऐसा अगर शेड्यूल होता है, हमारा शेड्यूल फिक्स होता है, आज मेरे को ये चीज नया सीखना है, आज मेरे को ये अचीव करना है, देन देयर इज नथिंग लाइक बोरडम, राइट? सो गो अवे फ्रॉम दिस बोरडम, ये कभी होना ही नहीं चाहिए, राइट? एंड ऑलवेज योर डे शुड स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। देखा यहां पे अचीवर्स अपने ब्रेन को, अपने बॉडी को डेवलप करते हैं। 15-20 मिनट्स अ डे कैन रियली हेल्प बूस्ट योर फुल डे। तो अचीवर्स के पास एक्सरसाइज के लिए समय होता है, फेलियर्स लोगों के पास एक्सरसाइज के लिए कोई समय नहीं है, क्योंकि उनके पास ना अच्छी डाइट के लिए समय है, ना माइंड डेवलपमेंट के लिए समय है, ना अपनी बॉडी के लिए समय है। उनके पास उसके लिए खाली समय है,
राइट, अवॉइड दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड ऑलवेज गिव योर बॉडी अ गुड डाइट, गुड पॉजिटिव थॉट्स एंड गुड एक्सरसाइज, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ता है, ये हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, पूरे बॉडी में खून दौड़ता है। दोस्तों हमेशा आपका जो माइंड है अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा वो पॉजिटिव रहेगा, वो ऑप्टिमिस्टिक लेवल पे काम करेगा, राइट। जब आप अपने माइंड ब्रेन तक ब्लड पहुंचाते नहीं हो तो वो बोर्डम में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। फोर्थ हर्डल, नेगेटिव पीयर ग्रुप। दोस्तों जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं हमें बहुत बार हमारे कंफर्ट के लिए कुछ ग्रुप सेट कर लेते हैं। वो हमारा कंफर्ट है क्योंकि वो हमेशा अपनी तारीफ करेगा, वो हमेशा कोई बात आपको ये नहीं बताएगा जो आपके लिए अच्छी नहीं है, पर आपको पसंद है वो बात करेंगे, राइट। दीज आर दोज ग्रुप, नेगेटिव पीयर ग्रुप इसलिए कहेंगे क्योंकि वो ग्रुप में हम आगे नहीं आ पाएंगे, उनके थॉट्स नेगेटिव होंगे, उनके पास हमेशा हर अनअचीवमेंट का कारण होगा, उन कारणों से दूर रहो। When we were practicing heavily during our black belt program, martial art में, many of my friends used to say, Piyush यार मेरे को भी सुबह उठाने आना। अब आप अगर उनको रोज सुबह उठाने जाओगे आप भी उनके साथ सो जाओगे। देखा है आपने कभी भी ऐसा? जब आप आगे बढ़ रहे हो you have to move alone। अगर आप सोचोगे सबको लेके जाने का है it is not possible, क्योंकि वो आपकी तरह सोच नहीं रहे होंगे। Yes, आप चलते चले चलो आपके जैसे जो लोग होंगे वो आपके साथ जुड़ते जाएंगे और आपका सफर बढ़ता जाएगा। पर आप हो यहाँ पे, आपका गोल है वहाँ पे, आप जब यहाँ से गोल पे बढ़ रहे हो, अगर आप सीधे जाने के बदले अलग अलग दिशा में दौड़ते रहे लोगों के साथ तो आप अपने गोल पे कब पहुँचोगे, राइट। सर्च फॉर पॉजिटिव ग्रुप। दोस्तों ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो आपको बूस्ट करे, बुरी बात बाबत के बारे में भी बताए कि नहीं इसको बंद करना पड़ेगा, अच्छी बातें अच्छे हैबिट्स का इंप्लीमेंटेशन कराए, राइट। सो ये पॉजिटिव ग्रुप दोस्तों हमेशा रहना चाहिए। हम लोग दोस्तों जनरली हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपको पता ही होगा हम लोग हर साल, अभी तक 2 साल कोरोना में नहीं किया, बट वी यूज टू विजिट देयर सिटी। अब हमें क्या जरूर है हम हर साल उनके शहर जाएंगे सबको इकट्ठा करेंगे, ये प्रोसेस होता है, इतने सारे जो लोग होते हैं वो शहर में सबको फोन करने का, व्हाट्सअप करने का, एसएमएस करने का, किसके पास इतना टाइम है। बट स्टिल वी थिंक कि जो हमारा जो पॉजिटिव ग्रुप है, प्रॉफिट फ्रॉम इट के जो स्टूडेंट है वो ऑप्टिमिस्टिक है, तो आप सबका मिलना जरूरी है साल में। डेट इज द रीजन वी डू 5 स्टेप टूवर्ड वेल्थ इन योर सिटी। वी कम टू योर सिटी, हम सब लोग इकट्ठा होते हैं, 3 घंटे का मीटिंग चलता है, एक दूसरे की राय जानते हैं। मैं 100% ये कह सकता हूँ आप जब ऐसी मीटिंग का पार्ट होते हो आप कितना भी नेगेटिव फील कर रहे होंगे पहले, लेकिन जैसे मीटिंग में आए आप दूसरे लोगों से मिले आपको पता चलता है अरे इसको भी आपके जैसा प्रॉब्लम था, उसको भी आपके जैसा प्रॉब्लम था, पर देखो वो आगे बढ़ गए, राइट। तो ये देख के हमें मोटिवेशन मिलता है। सो दिस इज द रीजन फ्रेंड्स फॉर अवर 5 स्टेप टूवर्ड वेल्थ का जो मीटिंग है उसके लिए, राइट। हम पॉजिटिव पीयर ग्रुप आपका बढ़ाना चाहते हैं और ये हमारा भी डिसीजन होना चाहिए खुद का दोस्तों, राइट। सो ऑलवेज बी विथ पॉजिटिव पीयर ग्रुप, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीयर ग्रुप। नो विजन, हमें नो विजन से किधर बढ़ना है, क्लियर विजन। डर्टी एनवायरमेंट, क्लियर एनवायरमेंट, कोई फर्क पड़ता है? मैं अपनी चीजों को गंदा रखता हूं, मैं अपनी चीजों को साफ सुथरा रखता हूं, फर्क पड़ता है, राइट। उसी प्रकार से मैं मेरे माइंड को, मैं मेरे बॉडी को क्लियर रखूं, मैं मेरे विजन को क्लियर रखूं और मैं मेरे विजन को डर्टी रखूं। ये पाना है लेकिन पाएंगे तो भी ठीक, नहीं पाएंगे तो भी ठीक, दिस इज द विजन। ये मुझे पाना है पर इसके बीच में मैं मेरी हैबिट्स को नहीं बदलूंगा, क्या ऐसे आपकी हेल्थ एकदम बढ़िया रहेगी? नो माय डियर फ्रेंड्स, विजन को बिल्कुल क्लियर रखें और कम से कम दिन में 2 बार आपके जो गोल्स है जिनके लिए आप कर रहे हो उन गोल्स को देखते जाए, प्लान बनाए कि मैंने ये जो पाना है उस तक मैं कैसे पहुंचूं, राइट। ईट एन एलिफेंट बाइट बाय बाइट,
मतलब ये जो आपके जो बड़े गोल्स है वो गोल्स तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स बहुत काम लगेंगे। बहुत सी बार लोगों को लगता है यार पीयूष भाई ये 5-5 हज़ार का SAP क्या काम का, ये क्या मुझे मेरे गोल तक ले जाएगा। उनको पता नहीं है मिरेकल कि ये जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, ये वो लोग जो रोज के 10-10 लाख के ट्रेड लेते हैं, 10-10 करोड़ के ट्रेड लेते हैं स्पेकुलेटिव ट्रेड्स, उनसे भी आगे ले जाएगा। मैंने पिछले इतने सालों में देखा है बहुत से लोग जिनके पास जबरदस्त पैसे थे, इतने समय में उन्होंने काफी स्पेकुलेटिव चीजें की, उनके पास बहुत पैसे थे वो पैसे थोड़े कम हो गए। और कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था, छोटा छोटा डिसीजन लेते थे, छोटी छोटी चीजें इंप्लीमेंट करते थे, पर आज वही चीजों को कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करते करते वो लोगों के पास बढ़िया एसेट आ गई है। सो योर एसेट्स और योर लायबिलिटीज डिपेंड अपॉन योरसेल्फ। तुरंत बड़ा जंप का मत सोचो, पाना है मेरे को ये चीजें और इनको मैं पाके रहूंगा, मेरे को थोड़ा समय चाहिए होगा, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वॉज योर होल्डर ऑफ नो विजन, नो विजन वाले हर्डल पे ब्रेक नहीं लगाने का, राइट। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ो, नो इट ऑल। मेरे को एक समय पे ये मेरा लर्निंग कर्व होता है, लर्निंग कर्व कैसे बनता है पता है, पहले मेरे को ये लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता है, फिर आप थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयत्न करते हो, यहां से वहां से वहां से, फिर आपको थोड़ा कुछ आता है, वो पहले से बेहतर है तो हमें ये लगता है कि वाओ मेरे को सब कुछ आ गया, रिजल्ट भी उसके आते हैं, पर उसके बाद धड़ाम से गिरावट आती है। क्यों? क्योंकि मैंने सीखना बंद कर दिया, मुझे ये लगा कि मुझे तो सब कुछ आ गया है, राइट। तो ये लर्निंग कर्व है, हमें हमारे माइंड को कंसिस्टेंटली फीड करना जरूरी है, हमें लर्निंग कर्व पे आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है, राइट। बहुत सी बार स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं लाइव बैचेस में, अरे पीयूष भाई आपने पैग रेशियो नहीं सिखाया, अरे आपने ये कैश फ्लो नहीं सिखाया, अरे आपने वो नहीं सिखाया, ये इंपॉर्टेंट है वो नहीं सिखाया। दोस्तों हमें सब पता है कि आपको कौन से समय पे क्या फीड करना है। माँ को पता है उसका जो छोटा बेटा है उसको कौन सी उम्र पे क्या न्यूट्रिशन देना है, राइट। पर आप अगर जल्दबाजी करोगे तो उससे अच्छा नहीं रहेगा। मैं एक ही दिन में बहुत सा खाना खा लूंगा तो क्या होगा? ओवर ईटिंग इज अ गुड हैबिट? नो, प्रॉपर ईटिंग इज अ गुड हैबिट, राइट। ओवर ईट में करूंगा तो क्या होगा? इधर से या सुबह 5 बजे अलार्म बजना चालू हो जाएगा, होगा कि नहीं? सो दिस इज नॉट गुड हैबिट, हमें कंसिस्टेंटली सीखना है। दोस्तों मुझे भी पता है कि जो आप सब लोग हो, आप सब लोग वैरिड बैकग्राउंड से आते हो, आप में से कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई किसान है, कोई हाउसवाइफ है, सम ऑफ यू आर टीचर, सो यू ऑल आर फ्रॉम वैरिड बैकग्राउंड। आप में से कुछ लोगों की कुछ खासियत है, आप में से कुछ को कुछ बहुत ज़्यादा आता है, कुछ को कुछ बहुत कम आता है। हम ये जानते हैं कि आपको कौन सा चीज़ कब देना है। हम ये जो एनुअल मीट रखते हैं आपकी 5 स्टेप के अलावा, आप जानते हो दोस्तों हम साल में एक बार ऑल ओवर इंडिया के लोग भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो पता है अब उससे जंप लगाना है। तो मैं आपके पूरे इंडिया के पीयर ग्रुप को एक जगह पे इकट्ठा करता हूं और आपको एडवांस लेवल पे अपग्रेड करना चाहता हूं, और ये प्रोसेस हम बरसों से करते हैं, राइट। बट अगेन यस, इफ यू थिंक यस आई नो इट ऑल, हर चीज का इफेक्ट दोस्तों पोर्टफोलियो में आता है। मैंने पहले बताया जो चीज हमने पास्ट में की उसका रिजल्ट आज है, अब जब हम करेंगे उसका रिजल्ट कल आने वाला है। इच एंड एवरीथिंग विल रिफ्लेक्ट इन योर पोर्टफोलियो। दोस्तों लर्निंग को कभी रहने ना दो। मैं तब से सीखता हूं, मुझे ध्यान है जब मेरे पास बिल्कुल किताब खरीदने के पैसे नहीं होते थे। आई यूज टू थिंक कि भूख लगी है, नाश्ता लेंगे कि किताब लेंगे, क्या आंसर आता होगा? बुक, क्योंकि वो भूख से भरेंगे नहीं, पर जो किताब आएगी इट विल फीड माय माइंड। दोस्तों पूरी की पूरी लाइब्रेरी है मेरे पास, और मेरे को ध्यान है जब जब मेरे को जो प्रॉब्लम आए उन प्रॉब्लम का मेरे को बाहर निकलने का रास्ता किधर से मिला, बिकॉज माय माइंड वाज ऑलवेज ओपन न्यू लर्निंग्स। जब मैं डेब्ट में एकदम फंसा हुआ था, अचानक मेरे को किताब मिली रिच डैड पुअर डैड, और उसने मेरे प्लानिंग को बदल दिया पूरा। आई एम थैंकफुल टू दैट बुक। जब मैं नेगेटिव था, मैं हर प्रकार से टूटा हुआ था, मेरे को
मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग ने एक जबरदस्त बूस्ट किया। जब मैं सिर्फ चार्ट पे डिपेंड हुआ करता था शेयर बाजार में, मैं नहीं समझ पा रहा था कि कैसे कुछ लोग मेरे से पहले डिसीजन ले सकते थे कि ये लेने का, और मैं दूसरों को देख देख के डिसीजन लेता था। दिस वॉज नॉट अ राइट थिंग। मेरे को कैसे द वॉरेन बुफे वे नाम की किताब मिली जिसने मेरा ये थिंकिंग चेंज किया। अगर मैं नहीं पढ़ता तो, अगर मैं सोचता क्या काम है यार, ये तो शेयर बाजार चोर बाजार है, इट इज स्पेकुलेटिव, नहीं होगा तो क्या होता दोस्तों। न्यू लर्निंग्स आर हाईली इम्पॉर्टेंट। आई वॉज गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग इन मुंबई। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट, आई थिंक सो इट शुड बी 2004 or 2005। मीटिंग वॉज हाईली एक्सपेंसिव, बहुत बड़ा उसका कॉस्ट था अटेंड करने का, पर मुझे पता था मेरी जो वीकनेस है उसकी दवा वो मीटिंग में है, तो मेरे को वो मीटिंग अटेंड करना था। बट दैट वॉज अ ट्रू दैट आई वॉज नॉट हैविंग मनी टू अटेंड दैट मीटिंग। द फंड विच आई वॉज हैविंग दैट टाइम वॉज इनसफिशियंट फॉर द लार्ज फंड रिक्वायर फॉर दैट मीटिंग। सो वॉट शुड आई डू? एक्सक्यूज, राइट? एक्सक्यूज तो हमको कोई आते नहीं है लाइफ में कभी भी। सॉल्यूशन, दो प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों। एक जिनको हर चीज में प्रॉब्लम दिखेंगे, अरे इतना दूर जाने का बॉम्बे कौन जाएगा। दूसरा सॉल्यूशंस, नहीं जा पा रहा हूं मैं कैसे जाऊं। आई रिमेंबर्ड फ्रेंड, आई ज्वाइंड अ जॉब फॉर दैट पर्टिकुलर 2 months ओनली टू पे दैट मीटिंग। मैंने एडिशनल जॉब क्यों किया? अब पूरा दिन तो काम करते ही थे, क्योंकि मेरे को पता था वो अटेंड करने के लिए नहीं है अपने पास, वो प्रोड्यूस तो करना पड़ेगा। आई प्रोड्यूस द मनी, अटेंडेड दैट मीटिंग एंड आई एम प्राउड। यही जो छोटी छोटी जो मीटिंग्स हमने अटेंड की उसने हमको डेवलप किया हुआ है, राइट? सो ऑलवेज बी ओपन फॉर न्यू लर्निंग्स, क्योंकि ये कौन सी मीटिंग कौन सी आपकी चीज को ट्रिगर करेगी आप नहीं जानते हो। मैंने हजारों मीटिंग अटेंड किया होगा, हजारों किताबें पढ़ी होगी, सब किताब यूजफुल नहीं थी। सेम आपका परेटो रूल इधर भी आता है, 80% जो आप बनोगे वो 20% लर्निंग में से ही मिलने वाला है, पर आपको अभी नहीं पता है ये 100 लर्निंग में से वो 20 क्या है। सो दैट इज द रीजन यू हैव टू स्पेंड इन्वेस्ट योर टाइम इन योर ऑल द ट्रेनिंग्स, ऑल द मीटिंग्स एंड ऑल योर बुक्स, राइट? सो यस, आई एम प्राउड टू से आई हैव डेफिनेटली अटेंडेड वेरियस लर्निंग्स मीटिंग्स, राइट? एंड दैट हैज बिल्ड मी। तो हर्डल आएगा ये नो इट ऑल का, ये हर्डल को दोस्तों पार करना पड़ेगा, और एक्सक्यूज काम नहीं लगेंगे। मैं बता दूं, आई हैव नेवर गिवन एनी एक्सक्यूज, अ सिंगल एक्सक्यूज इन माय लाइफ टू माय सेल्फ, बिकॉज माय गोल्स आर क्लियर। एंड लास्ट इज स्ट्रेस। जब ये छह लेयर्स में हम काम नहीं कर पाते तो हमारे सर पे स्ट्रेस आता है, हमें पता नहीं चलता है कि मेरे से क्या गलती हो रही है, और हम प्रेशर में रहते हैं कि ये क्यों मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, क्यों मैं ये सीख नहीं पा रहा हूँ, क्यों मैं स्विमिंग नहीं सीख पा रहा हूँ, क्यों मैं ये नहीं सीख पा रहा हूँ, क्यों मेरी स्किल्स को मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। और स्ट्रेस जब आता है इट इज एक्सट्रीमली नेगेटिव फॉर अवर ब्रेन, जो हमें हाई प्रोडक्टिविटी देने वाला है। स्ट्रेस फुल लाइफ से हमें नो स्ट्रेस लाइफ पे आगे बढ़ना है। दिस इज स्ट्रेस फ्री, दिस इज हाई स्ट्रेस। हाई स्ट्रेस विल रिड्यूस योर प्रोडक्टिविटी, नो स्ट्रेस विल ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्टिविटी। दिस आर आपके 7 लेयर्स चक्रव्यूह के। दोस्तों हमने काफी चीजें दोस्तों आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्लान की हुई है, सीधा इसी को ध्यान में रख के, राइट? अब इन 7 कोठों को हम कैसे पार करते हैं? अभिमन्यु 16 साल में डेथ हो गई क्योंकि उसको बाहर निकलना नहीं पाया था, ही वाज स्मार्ट इनफ। हमें क्या बनना है? अभिमन्यु बन सकते हैं, पर आप अर्जुन को भी जानते हो, कुछ ही लोग ऐसे थे जो इन पूरे 7 कोठों को पार करना जानते थे। लेट अस लर्न हाउ टू बूस्ट अवर लाइफ, हाउ टू बूस्ट अवर इन्वेस्टमेंट। नया साल शुरू हो चुका है दोस्तों, मैं चाहूंगा ये जो साल है 2022, इट शुड बी रिटर्न विद द गोल्डन राइटिंग्स इन योर डायरी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी। जय हिंद दोस्तों।